देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन के अक्षय पात्र द्वारा आयोजित 300 करोड़ के भोजन व थाली कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री लक्ष्मणा चौधरी, उपमा जायसवाल मौजूद रही। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में नर्सों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नर्सों की पिछले लंबे समय से मांग चली आ रही है कि उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। वहीं नर्सों के मुताबिक वे 10 सालों से सरकार को रेगुलर करने के लिए कह रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। अयोध्या में नगर निगम के सभी पार्षदों ने नगर आयुक्त आरएस गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम कार्यालय में सभी पार्षद, चाहे विपक्ष हो या पक्ष के, सभी पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर कार्यालय में हंगामा किया और तालाबंदी कर दी। पार्षदों का आरोप था कि पुराने प्रस्ताव को लटका दिया है, जबकि नए प्रस्तावों को हरी झंडी देकर गलत तरीके से टेंडर करा दिया गया है। यह धरना नहीं है, मूल रूप से इनका विरोध इस बात पर था कि पार्षद निधि के लिए बहुत से कार्य अभी होने हैं, निर्माण कार्य, इनको चुनाव के पहले पूर्ण करा लिया जाए। निश्चित रूप से यह गंभीर और ध्यान देने योग्य मांग थी, इसको स्वीकार भी किया गया है। थोड़ी कुछ परेशानियों के कारण और कार्यालय की थोड़ी सी दिक्कतों के कारण सारी पत्रावलियां भी स्वीकृत नहीं हो पाई हैं, तो उसे मैं स्वीकृत कर दूंगा, दो दिनों में ही स्वीकृत कर दूंगा और उनका टेंडर करा के उनको कार्य करा लिया जाएगा। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग निशानेबाज दादियों के संघर्ष भरी कहानी पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म सांड की आग की शूटिंग के लिए सेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और जोड़ी गांव में शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए दादी चंद्रो और काशी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री तापसी पन्नू और भूमि पांडेकर ने गाँव में पहुंचकर अपना किरदार निभाया। बहराइच के पुराने मंदिर में कुछ अज्ञात चोरों ने देर रात भगवान की 3 अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी कर ली। घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है, जिसे देखते हुए एसपी ने तुरंत एक टीम गठित कर दी है और ये निर्देश दिए हैं कि चोरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कानपुर देहात में शिवली बस स्टॉप पर दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। लखनऊ में सहकारिता कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने गायत्री शक्तिपीठ का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार एक बहुत अच्छा संगठन है जो अपने पद पर आगे बढ़ रहा है। समारोह में भाजपा महिला की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रजा त्रिपाठी समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की। मैनपुरी में अज्ञात बदमाशों ने घर को अपना निशाना बनाया। देर रात एक बदमाश ने घर में पीछे का ताला तोड़कर घुसे और लाखों के जेवर और 60,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की घटना का पता चलते ही पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। राम भाई, आज रात की घटना है, सदर चौराहा जो मार्केट है वहाँ पर भगवान स्वरूप जयप्रकाश पथ भंडार है, उसी में वो निवास भी करते हैं और दुकान भी है, उसी में इसी मार्ग से आज चोर घुस गए हैं और इनका जो तेजी रखी हुई थी वहाँ चाबी भी वहीं रखी हुई थी, तो उसी में से कैश और कुछ ज्वेलरी निकाल के ले गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मैनपुरी में एक मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पीड़िता मां का कहना है कि उसके बेटे ने बड़े नेताओं के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। पीड़िता ने आला अधिकारियों से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही है।